मेनू ब्लॉक क्यों किया। कहने वाला एक किन्नर पिछले दिनों तो सुर्खियां दे विच चल रहा है, जिस वालों अपने बॉयफ्रेंड ते धोखाधड़ी दे इल्जाम लगाए गए कि वह लखा रुपए लेके दुबई भज गया, जिस तो बाद उसनू ब्लॉक कर दिता। ता पूरा हंगामा इस किन्नर दे वालों किया गया सी। ता जिस मुंडे दे उते इस किन्नर दे वालों इल्जाम लगाए गए सी, ओ कैमरे अगे आया ते इस किन्नर दे इल्जामा दा जवाब दिता। दस दिए कि इस शख्स ने दस्या कि किन्नर मेरा वधिया दोस्त सी, जदों इसके परिवार दे विच मौत हुई सी ता उस समय मैं इस दे नाल खड़ा सी, पर बाद दे विच इसका बिहेवियर बदल गया ते मैं अपने घर आ गया, जिस तो बाद मेरे घर आके हंगामा करता है ते मेरी मां नू आपत्तिजनक शब्द बोल के जांदा है, जिस तो बाद परिवार दे कहन ते मैं विदेश चला गया। ते इस वीडियो नू पूरा जरूर सुनियो, जिस दे विच इस किन्नर नू इस शख्स दे वल्लों जवाब दिता गया है। जैसा कि आप लोग सब देख रहे हैं, डीडी गोयल, दीपक गोयल जो कि किन्नर ट्रांसजेंडर होने का दावा करता है, काफी अच्छा दोस्त हुआ करता था मेरा। हम मिले थे, अकेला रहता था वो। उस टाइम उसके डैड दादी की डेथ हो चुकी थी और मम्मा किसी और के साथ सेटल हो चुके थे, तो अकेला रहता था। इंसानियत के नाते उसके साथ दोस्ती की, अच्छा दोस्त माना, अच्छे दोस्त की तरह ट्रीट किया। बट कुछ टाइम पहले से उसका बिहेवियर मेरे लिए बहुत गंदा होना शुरू हो गया था। वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होना शुरू हो गया था, मुझे ज़बरदस्ती परेशान करना, मिलने के लिए बुलाना, परेशान करना, कॉल्स करना, और तो और धमकियां देना, डराना। कुछ हद तक ये चीज़ें मैंने बर्दाश्त की। जब वो और ज़्यादा गंदी तरह मुझ पर हावी होना शुरू हो गया, मैंने अपने घर में बता दिया। मेरे घर वालों ने मुझे घर बुला लिया, क्योंकि वो चीज़ें मेरे फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों को इफ़ेक्ट कर रही थी, और ये इंसान अपनी वही हरकतें कंटिन्यू कर रहा था, इसको किसी चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता था। और जो ये दावा करता है कि मैं फ्रॉड करके गया, मैं गलत करके गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने पेरेंट्स की मर्ज़ी से, अपने पेरेंट्स के डिसीज़न से, खुद के डिसीज़न से, अपने अच्छाई के लिए जॉब करने आउट ऑफ कंट्री आया, क्योंकि ये इंसान इतना वल्नरेबल हो चुका था कि मेरे घर आके हंगामा करके, मेरे पेरेंट्स को गंदा बोल के, मेरे पेरेंट्स को इतना गंदा बोल के, मेरी माँ को रंडी बोल के सोशल मीडिया पे स्टोरीज लगाना शुरू कर दिया। और साथ ही साथ इसने मेरी फ्रेंड मोहाली में रहती है, 3-4 लड़के लेके वहाँ गया दिन दिहाड़े, वहाँ पे गुंडागर्दी करके उसके रूम पे घुस के उसके साथ बदतमीजी की, उसको भरे लोगों के सामने, उसको भी रंडी का टाइटल देके वहाँ से ये आया और उसके साथ गंदी हरकतें की उन लड़कों ने। उसके बाद ये मेरी बहन के पीछे पड़ गया, मेरी बहन को गंदा बोलना शुरू किया, उसके साथ भी ये गंदी हरकतें करने के लिए उसको ढूंढ रहे थे। तो मेरे पेरेंट्स का तो यही डिसीजन था कि अगर ये इंसान, इसको घर पे बैठ, इसको घर गया था, इसको घर में भी समझाया पर ये नहीं समझा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि ये अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा, इसके खिलाफ कंप्लेंट भी की लेकिन इसको कोई फर्क नहीं पड़ा। उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि ऐसे परेशान होके कोई डिसीजन, कोई भी चीज़ सही नहीं होगी, क्योंकि मैं बहुत सफ़र कर रहा था उन दिनों। तो मेरे पेरेंट्स ने डिसीजन लिया कि यू कैन गो टू आउटसाइड ऑफ कंट्री, यू कैन गो एनी वेयर, और यू कैन लिव योर लाइफ, यू कैन डू जो वट एवर यू वॉन्ट। आई सेड फाइन, क्योंकि ये नहीं सुधरेगा तो मुझे ही कोई स्टेप लेना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे जानवर या ऐसे गंदे इंसान के साथ मैं अपनी दोस्ती कंटिन्यू नहीं कर सकता था, जो मुझे आए दिन परेशान करना, मुझे धमकियां देना, मीडिया के सामने ब्रेन ट्यूमर का पेशेंट होके सिंपथी लेना, और मीडिया के सामने रो के किसी को गलत बताना, और उसके बाद ही जाके उसी दिन शाम को स्टेटस अपलोड करना और मुझे धमकियां भरे स्टेटस दिखाना। मुझे, मेरे पास कुछ लोग थे जो मुझे भेजते थे इसके स्टेटस, इसके स्क्रीनशॉट्स की ये क्या कर रहा है, मीडिया पे आके ये रोएगा, मीडिया पे आके अपने आप को अच्छा बताएगा कि हाँ ये बहुत अच्छा है और जो गया वो उसने बहुत गलत किया। तो इसने जो वो एक शेड्यूल बना रखा था, पकड़ रखा था कि हाँ मीडिया के सामने रोऊंगा, ब्रेन ट्यूमर है मुझे, मुझे कोई गलत करके चला गया, मुझे फ्रॉड करके चला गया, और शाम को उसी टाइम अपने दोस्तों के साथ दारू पी के वहाँ पे फिर मुझे स्टेटस दिखा के, धमकियों भरे मैसेजेस भेज के मुझे शो करना कि अगर तुम मेरे पास नहीं आओगे तो मेरे पास और भी रास्ते हैं, और जो मेरे बीच में आएगा मैं उसे भी मार दूंगा, तुम्हारे पेरेंट्स आएंगे तो मैं उन्हें भी मार दूंगा। इस तरह से ये मुझे धमकियाँ देना शुरू कर दिया था। सो ऑब्वियस ही बात है ना, जो इंसान मेरे घर वालों की बेइज्जती कर रहा है, जिस इंसान ने अपने मन में ये चीज़ बना रखी है कि अब मैं इसको मार के ही अपनी तसल्ली, अपनी इच्छा पूरी करूँगा, तो मेरे पेरेंट्स पागल नहीं है या मैं पागल नहीं हूँ कि किसी भी ऐसे इंसान के
लिए मैं अपनी लाइफ बर्बाद कर दूं। इसको दोस्त माना था, इसको दोस्ती के मायने कदर नहीं पता थे, तो मुझे छोड़ना ज़रूरी लगा। इसीलिए मैंने छोड़ भी दिया, क्योंकि मैं अपने माइंड में इससे ज़्यादा प्रेशर और नहीं ले सकता था। इससे इंसान की आदत बन गई है, ये आदत से मजबूर हो चुका है। अब ये माफ़ियाँ मांगता है, मेरे घर वालों से माफ़ियाँ मांगता है मीडिया पे आके, साथ ही साथ ये चीज़ें ये कमिट करता है कि हाँ मेरे साथ गलत हुआ। कौन सा गलत हुआ? मुझे ना इससे किसी चीज़ की ज़रूरत थी ना मुझे है। जो ये दावे करता है वो अपने पास रखे, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। मैं अपनी लाइफ में खुश हूँ, मैं खुद कमा सकता हूँ, कमा रहा हूँ, और मेरी फैमिली का सपोर्ट मेरे साथ है। मेरी फैमिली के डिसीजन से मैं यहाँ पर हूँ। तो आई थिंक अब इसको अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और अगर ब्रेन ट्यूमर है भी इसे तो अपना इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि ब्रेन ट्यूमर अगर किसी को थर्ड स्टेज पे हो तो इंसान बिस्तर पर पड़ जाता है, उसके पास इतनी अच्छी एक्टिंग करने के स्किल्स नहीं होते हैं कि सड़क पे खड़े हो कि आप फ़ोन पे ड्रामा करके, ग्लास तोड़ के, ये सब ड्रामा करके लोगों को दिखा रहे हो। वो सारा सारा एक एक्टिंग है अपने आप को फेम और पब्लिसिटी देने की। इससे बेटर आप कहीं ऑडिशन दीजिए, आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगी।